ये एक गैंगस्टर लीलू। गाइज वी हैव लीलू इन द हाउस अगेन विद चश्मा वाला। ओहो, ये सोने नहीं देंगे गाइज। सुबह सुबह भड़क ची 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 उठा लिया यार। कुंभकर्ण जी खड़े हो लीजिए। दुरु खड़ा हो लो। ओ नहीं खड़ा हो लो। ओ देखो देखो खड़े हो खड़े हो खड़े। हाँ बोलो बेटा। के मम्मी यो गाइस हाउ आर यू व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग। कैसे हो यार? मेरे को ना काफी ज्यादा नींद आ रही है बट ये सुन ही नहीं दे रहे यार। पता नहीं क्या बैर है। सुबह सुबह ड्रिल मशीन घुसा दी। सो रहे थे अच्छे खासे सो रहे थे हम घर में। अब क्या ही कर सकते यार, उठना ही पड़ेगा। अब तो तुम्हें शराब देता हूँ मैं तुम्हारी ड्रिल मशीन काम ना करे। फिलहाल गाइस हमें दो काम है। पहला काम तो बाइक लेके आनी, सेकंड काम है हमें डाइपर लेके आना है। हमारी चौधरी सुसु कर देती है रात को, तो इसके लिए डाइपर लेके आने हैं। आपके लिए हमारे लीलू तो सुसु करता ही नहीं, आप करते हो। डाइपर तो आपको पहना ही है। गाइज बाइक की भी लेके आएंगे बिकॉज मम्मी जी और मौसी जी को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो फिर उन्हें छोड़ के आएंगे एंड चौधरी एंड मी घर पे रहेंगे। 12 बजे तक प्रतीक आएगा, तब तक हम दोनों अपने आराम से अकेले रहेंगे। देन उसके बाद हम दोनों भी दादरी भाग जाएंगे, उसको यहीं पे घर पे छोड़ जाएंगे। चौधरी सुने, बाइक पहले लेके आए फिर डाइपर पहले लेके आए। बाइक आपकी बाइक फेवरेट बाइक बताओ कौन सी है। इधर देख के KTM सेम हेयर। आय हाय हाय मेरी बाइक पे नहीं बिठाऊंगा तेरे को बट मैं बिठा लेना ना भैया। क्या प्यारे भैया हो, मक्खन में तो लगा देख तू अबे। ना ना नहीं लगा रहे, मैं प्यारा भैया ना मैं नहीं हूँ तेरा प्यारा भैया। तू रहा तू गाइस वी हैव लीलू के डाइपर एंड 20 रुपए वाले डाइपर थे गाइस। मैं तो 10 वाले पैसे लेके गया था है। और दादी थी तो फिर मैं गणा को लिया। दादी ने क्या दिया कि बेटा मैंने हिसाब को नहीं। और फिर तेरे दादू ने क्या दिया कि तू ये करवाओगी वो करवाओगी। दादी को नहीं आओ बुढ़ल थी दादी, वे दोनों तो ड्यूटी पर चल गया। तो फिर मैं 10 से छोड़ गया हूँ ना, मैं गणा लिया हूँ। ये 20-20 आ रहा था, मैं 10-10 का रुपया लेके गया था। ये लिख रखियो देखो, 10-10 का ही है। मैं पूछूं एक बार कॉल करके दादा द्वारा, इसका मैं 50 दे के आया हूँ, कन्फर्म कर ले दादा। तो एक दो तीन है कदी, इसमें दो दो। ध्रुव आपके डाइपर आ चुके हैं, आज के बाद सुसु मत कर दियो। दो दो ही सही है, तो 50 की दे के आना पड़ेगा। 10 दे के आना पड़ेगा, टोटल 60 रुपए चीज लाया हूँ मैं। ना मैं क्या है, मैं कि बाद में दे दूंगा दादी, नहीं तो जान है मेरी। ठीक से बेटा दीदी दूध दही के ठीक है। तो अवर ऑल टाइम फेवरेट कोक गाइस विद लस्सी एंड भिंडी की सब्जी एंड रोटी। वाओ इट्स नाइस ब्रेकफास्ट यार। आपको खाना नहीं खाना क्या गाइस? एक चीज दिखाऊं, देखियो मैं इसको टाइट खींचूंगा या से रुक 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 शांति ले। देखियो देखियो टाइट खींचा बेटा। हां हां की आगे बोल। देख यार अभी भी चटाने रास्ते में, मैं तेरी गर्दन भींचनी बाकी रहेगी बस, तू मम्मी और को जाने दे, मैं तेरी गर्दन भींचूंगा बता दिया है। देख रोहित, कल रोहित ने पकड़ लिया इसका हाथ गाइस, देखो ऐसा निशान पड़ गया, उसने थोड़ा टाइट खींच लिया इसके निशान पड़ गया। मम्मी और मौसी जी को छोड़ने वाला काम डन गाइस। एंड भाई साहब कैसा लग रहा हूँ मैं। वो धुरु कहाँ पे? मैं धुरु को ना अकेला ही घर पे छोड़ के गया था मैं कि तू अकेले रह जियो, कुछ दिक्कत परेशानी हो ना तो अपने आप सुलट लियो। ओ धुरु इज सिटिंग लाइक अ लोन। भाई साहब ये क्या बना रखा लड़की ने, ये क्या है? आपको डर तो नहीं लगा? ओ आप तो ग्रेव वाली भाई साहब। यस मैं नहीं ला के दूंगा खाना, मम्मी जी पहले बोला था ना कि मम्मी हो तब खाना खा लो। बोलो देखो मुंह खुला जाएगा इस, अभी खाना देना पड़ेगा बेचारे। मेरे को तो दया आ जाती है, इतना सॉफ्ट हाइट है भाई साहब, 20 जैसे बच्चों पे मेरे को दया आ जाती है। दया आने लायक नहीं है बच्चे, इनको लत मारनी चाहिए। दो गर्ल्स को अपनी सही सलामत जगह पर रख देते हैं गाइस। ये कैब भी टांगते हैं अपनी, ये डेडी वाली कैप आर्मी वाले। इसको खाना दे दिया गाइस, मैंने इसके लक्षण नहीं थे खाना देने वाले बट फिर भी मेरे को दया आ गई, इसको मैंने खाना दे दिया। इसको मारने में बड़े मजा आते हैं गाइस, टिकली करने में बड़े मजा आते हैं इसके साथ। देखो कितना ध्यान गड़ा रखा है फ़ोन में, चाहे इसके साथ फिलहाल कुछ भी हो जाए इसको कोई होश नहीं है। बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया बिकॉज यहाँ पे छाँव है गाइस, वहाँ पे पार्क करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी उस दुकान आगे। अभी है ना बस का वेट करता हूँ जल्दी से यार, कोई बस मिल जाए फटाफट
यार एक तो यहाँ पे बस नहीं आती, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, कोई प्राइवेट व्हीकल हो तो जल्दी पहुँच जाओ, दूर दूर तक कोई बस नहीं दिख रही भाई, सब बंदा जाए तो जाए कैसे, यहाँ पे ट्रक ही ट्रक है बस। तो कुछ पलों के बाद एक बस तो आएगा इस, चलो ठीक है आ गई, चलो पहुँच जाएंगे जल्दी से। गाइस बहुत से लोगों को ना एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते, मैं सिखाता हूँ एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, मेरे को फॉलो करना, आपके एटीएम से पैसे निकालने आ जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर ऐसे कार्ड देना है, जस्ट पुश, बस ये कार्ड को अंदर ही पकड़ लेगा। देन उसके बाद लैंग्वेज चूज़ करनी है, अच्छा टच वाला है। एटीएम का पिन एंटर करो कहाँ पे, हाँ यहाँ पे एटीएम का पिन एंटर करो, पिन एंटर हो चुका है गाइस। देन उसके बाद क्या करना है, प्लीज़ प्रेस आफ्टर एंटरिंग द पिन, हाँ हो गया। देन उसके बाद अपन को करना है कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल पे क्लिक किया, देन उसके बाद यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी है, जैसे मेरे को फ़िलहाल 10,000 चाहिए तो मैंने 10,000 एंटर कर दिया गाइस। देन उसके बाद कन्फर्म कीजिए, हो जाए, हाँ अ स्टेप टूवर्ड्स ग्रीन वुड लाइक टू प्रिंट स्क्रिप्ट, हाँ स्क्रिप्ट भी चाहिए गाइस हमें, तो स्लिप भी आ जाएगी बस। मेरा अकाउंट है सेविंग, तो सेविंग पे क्लिक कीजिए, हो जा रहे, हो गया। फाइनली योर ट्रांजेक्शन इज बीन प्रोसेस्ड, यहाँ से गाइस पैसे निकल जाएंगे, जस्ट देखो आवाज़ आनी स्टार्ट होगी ना, अभी पैसे निकलेंगे, निकल जावे, इतना वेट थोड़ी करना पड़ेगा। इसके ऊपर गलती से भी कोई सामान मत रखना गाइस, बिकॉज अंदर गिर जाएगा सामान। फाइनली ऐसे पैसे आप उठा सकते हो गाइस यहाँ से, एंड यहाँ से स्क्रिप्ट आ गई, नीचे से एटीएम बाहर आ जाएगा। गाइस यार मैं अपने आराम से टोर शोर में गोगल्स वगैरह लगा के आया था, मम्मी जी ने सारी टोर शोर निकाल दी, देखो इतना सामान लेके घूम रहा हूँ इतनी देर से मम्मी के पीछे पीछे, एक हाथ में लिल्लू एक हाथ में सामान, क्या तो कर ले इनका। लिल्लू वो ओए ओए लग जाएगी आपकी गोगल्स की, लिल्लू सामने देखो लिल्लू, मैं सोच रहा हूँ लिल्लू के ना शॉपिंग करवाते हैं, लिल्लू आपकी कच्छियाँ लेके आए। लिल्लू बोलेगा गजब बेइज्जती है यार, बात पे तुम बेइज्जती करते रहते हो, है लिल्लू आपकी बेइज्जती नहीं है ये, रिस्पेक्ट बोलते हैं, इतनी महंगी चीज़ कोई नहीं खरीद रहा लिल्लू, बट क्या करें यार लिल्लू मान ही नहीं रहा। मम्मी जी एंड वहाँ पे पता नहीं चूड़ियाँ वगैरह देख रहे हैं, मैं कि देखो मम्मी जी जिंदगी के काटे काटे यार, जियो जिंदगी आराम से खुल के। एंड बाहर गाइस, ओ ये तो हमारे स्कूल की बस है साहब, जो वो सामने स्कूटर खड़ा है गाइस, देखियो आत्मा रम तुकाराम भिड़े का स्कूटर है, उसकी साइड बुगी नहीं है, बट ये स्कूटर एक नंबर का है। एंड दिस इज द बस ऑफ प्रतीक स्कूल गाइस, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है बिकॉज बच्चों की छुट्टियाँ होगी ना, तो मतलब बसेस जा रही हैं, बच्चे भीड़ भड़ाका हो रखा है दादरी में। तो गाइस आप लोगों को इनमें से कुछ पसंद आता है ना, स्पेशली गर्ल्स, तो अपने आके ले जाना, देखो मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, अपने आना और ले जाना, मैं तो सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। मैंने गाइस लीलू को है ना यहाँ पर ग्लास के, तो क्या कहूँ आपका नाम क्या है, सॉरी मैम सॉरी सर, कौन ही गिरा पकड़ रहा हूँ, नाम क्या है तेरा, मैं तो आपको लिल्लू बोलूँगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। यहाँ पे लेटा दिया मैंने, इतनी देर से परेशान करा था गोदी में, अरे लिल्लू स्माइल देखो इस लिल्लू की, गाइस फूक मारता हूँ तो कैसी स्माइल देता है लड़का, मेरी उंगली पकड़ ली गाइस, मैं कहीं पे भाग नहीं रहा, इसने पकड़ना स्टार्ट कर दिया गाइस, 4-5 महीने का हो चुका है ना ये, अबे छोड़ दे बे, मैं कुछ चोरी करके थोड़ी भाग रहा हूँ, ऐसा मुँह कर रहे हो आप, छोड़ दो यार, अबे छोड़ दो आप, बस लुढ़क मत जाना, आपको लुढ़का दूँ उधर, लुढ़का दूँ क्या, नहीं यार आप एक ही काम के बच्चे हो हमारे घर में, आपको लुढ़का दूंगा तो कैसे बात बनेगी, आई 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 आई, छोड़ दे बे उंगली छोड़ दे मेरी, बता दिया है गोली मार दी जाएगी, मुंह देखो गाइस इसका, जैसे झोटी खोल लियो मैंने इसकी। अबे यार छोटा सा लिल्लू है, देखियो यहाँ पे लेटा दिया मैंने, ये गैंगस्टर लिल्लू गाइस, वी हैव लिल्लू इन द हाउस अगेन विद चश्मा वाला, ओहो मुन्ने एक नंबर के लग रहे हो आप तो, हाई फाई स्टैंडर्ड क्लास हीरो, एक नंबर हीरो, आप बड़े हो जाओगे ना तब आप ही अपनी वीडियोस देखना, ये बड़ा हो जाएगा ना उसके बाद मेरे को गालियाँ देगा, भाई साहब मेरी बचपन में तूने इतनी बेइज्जती की है, देखो सर मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, एक दो साल में तू बोलना सीखेगा, तब तक तो मैं तेरी बढ़िया वाली बेइज्जती कर ही लूँगा, उसके बाद तू अपनी इज्जत बना करियो, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, ये अबे चश्मा लगा यार, एक नंबर लग गया, मैं बच गया हूं उसके लग गया, अरे यार हाँ एक नंबर लग रहा है लिल्लू, ओपन द चैट गाइस, आई 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 यार ऐसे मौत करोगे लिल्लू, फाइनली बैक गाइज, एंड मम्मी जी से उठ भी नहीं रहा इतना सामान, बट मम्मी जी का जी नहीं रुकता, दादी चाड़ा पाट दिया देखो आपकी बहू ने, तो इतना राशन लिया उठा भी कोनी कुत्ता है, और मैं पीछे पीछे पुल्ली कर रखे हो, वो देखो दुरू आपको साथ चलना था यार मेरे, एक इतनी मस्त स्नेक देखा मैंने रास्ते में, काफी मस्त है, कोबरा जैसा स्नेक था रे सच्ची में, बस कैमरा ऑन नहीं था मेरा उस टाइम पे, कैमरा ऑन कर लेता तो मैं गए खेलती, अरे मैं भूल गया यार मैं बाइक पे था वरना मैं कैमरा ऑन, अरे रुको रे बाबा, अरे बाबा रुको, पीछे से मरिंडा पी रहे थे सर, 1 लीटर की होगी
अरे चकनू के लाया, अरे चकनू के लाया, चकनू गाइस आपको अनाज मम्मी जी की जो शॉपिंग थी ना, बेसिकली मौसी जी की जो शॉपिंग थी, इतने सारे सूट भाई साहब हमारे सारे गांव के कच्चे आ गए इतने। गाइस आपको एक एक करके सूट दिखाता हूँ, मेरी फेवरेट बताऊँ इनमें से जो मेरे को पसंद आया वो दिखाता हूँ एक सेकंड। गाइस मम्मी जी ऐसे कह रही हैं कि रात को है ना तो कल पेपर देना है ना, जो पसंद आया बढ़िया वाला मेरे लिए उठा लाइए, मैं कि फिर तो सारे ही लपेट लाऊंगा मैं। देखो एक सूट ये है, ये वो कौन सा कलर, आई डोंट नो। एक गाइस ये है, देख लो गाइस, एक ब्लैक वाला है यार, ये इतना खास नहीं, ये पक्का मौसी जी की पसंद मिलेगी, आपकी पसंद थी ना। हाँ हमारी पक्का यकीन है ये मौसी जी की पसंद हो सकती है। एंड ये वाला कुछ ज़्यादा ब्राइट हो गया गाइस, मेरे को सबसे मस्त लगा ये वाला, ये वाला मीना मम्मी जी के लिए उठा के लेके चलेंगे। एंड ये वाला रीना मम्मी पे बेस्ट लगेगा, ये वाला मौसी जी पे शक्ल से मैच नहीं कर रहा, ये मम्मी पे बढ़िया लगेगा, मौसी जी पे ये बढ़िया लगेगा। एंड ओ मीना मम्मी के लिए ये भी उठा लेते हैं अपने, दो सूट फाइनल कर दिए मीना मम्मी के लिए, दो फाइनल कर दिया अपन ने। मौसी जी ना मम्मा, दो फाइनल कर दिया आप खातिर, ये दो फाइनल कर दिया। हाँ बस गाइस मम्मी जी के लिए ये उठा ले चलते हैं फाइनली, बस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, भाई साहब आठ सूट भाई साहब, कोई नहीं चलो काटते काटते जिंदगी क्या रही, उसमें अस्तर है गाइस, इतने सारे कुछ सूट होंगे, आपकी पसंद बता दिए, मैंने मेरी दो पसंद बता दी हैं, आप लोग कमेंट कर देना। मौसी जी आपको फेवरेट कौन सा इसमें सब तो बढ़िया है, ब्लैक रानी कौन सा हो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मम्मी को मतलब मौसी जी को पसंद आएगा इस, मेरे को वो दोनों आए फाइनली। अभी पैक मौसी जी अपने आप कर लेंगे, अपन अपना काम करते हैं मैं कौन तार भाई, अपना काम खुद करो, दूसरे के सारे कितना दिन तेरा होगा सीधा सीधा ऑप्शन था, मैं उसको दीवार से नीचे उतार रहा था, बेफालतू को ब्लैकमेल कर रहा कि मैं बनवाऊंगा तेरी वीडियो आज पास बनाऊंगा नहीं, मैं ठीक है बैठा रहा भाई यहाँ पे आराम से, वहाँ पे बैठा रो रहा है भाई, गिर गया गिर गया गिर गया गिरेगा गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, वो ईट आला है गिर गया, अब भी उतरा रो रहा था पागल उतरा, वाह 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 ना बता लिए तो बैठे ऊपर, मैं तो कौन तारू नीचे गिरेगो, बता दिए नीचे उतरे हो तो गिरेगो, और फालतू चौदह हम नह के तो कि नारी भाई आड़ी वो है, गिर गया गिर गया। हाँ के गया तेरी 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 का बाद बोले ऐसा बैठा, मैं ना उतारू नीचे वीडियो का नाम आती तो मैं उतारू को नहीं, मैं तेरे को उतार रहा था बट बीच में वीडियो का नाम लेके आया गाइस, जैसे बोला कि मैं बनवाऊंगा तेरी वीडियो, ना बनवा भाई किसे नुवा कौन, तो आज आज रहूँगा मैं, चल जाऊँ तड़के काचा काटियो। क्या सपोर्टर बनी हुई है भाई की, सपोर्टर बनी हुई है लड़की, वैसे तो झगड़ती रहती है और मेरे खिलाफ दोनों रखे थे गाइस, ये लड़की खाट को है ना, इस खाट को वहाँ से घसीटती हुई लेके आई ताकि उसके नीचे लगा सके और प्रतीक इसके ऊपर कूद सके, देखियो हाँ हाँ ये भाई कर लो अपने जो करना, मैं तो जा रहा हूँ बाय बाय। एंड इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं गाइज, आप सबसे मिलते हैं कल, कल वी आर गोइंग टू हिसार फॉर द नीट एग्जाम गाइज, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं, विदाउट प्रिपरेशन मैं अपना एग्जाम दे रहा हूँ, लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं, भगवान भरोसे अगले एग्जाम के लिए फुल टारगेट रखेंगे, बट ये वाला तो ऐसे भगवान भरोसे दे दिया भाई साहब, कोई नहीं चलो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन उतर गया आई थिंक, थोड़ी देर बाद एंड करते हैं, दो मिनट रुकिए गाइस, फाइनली वी हैव प्रतीक इन द हाउस गाइस, हाँ भाई ओ हो स्वाद आ गया भाई साहब, फोन फोन टॉयलेट के अंदर गई, मौज कर दी बेटे, कांच काट दी, मारने का मन भी नहीं करता इस लड़की, मम्मी मेरे बुटक्स दुख रहे हैं, मार दी बॉल मार दी, हाय हाय हाय, मैंने पता क्या कल एक नई चीज ट्राई की, बुटक्स की एक्सरसाइज, ओ दर्द कर रहा है, के भाई के है पार्ट में कुत्ती डाल रहे हो ठीक है गाइस बाय बाय समाप्त करते हैं।